103 वर्षीय मंझले मियां स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। बताओ, हमें आजादी दिलाकर खुद फिर से गुलाम बन गए? समाचार में अब बात मध्य प्रदेश की। 103 वर्षीय मंझले मियां, जिस उम्र में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना चाहिए, उसी उम्र में इन्होंने खुद को प्लेबॉय अवार्ड दे दिया है। तीसरी बार निकाह किया है इन्होंने। 103 वर्षीय मंझले मियां ने, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब शेरवानी की हलचल हो तो भटक जाता है मन। आए हाय, सबसे पहले तो चचा को शादी मुबारक, बहुत खुश है। और शादी के तोहफों में चचा को दांतों का डेंचर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी, धार्मिक जगहों का हनीमून पैकेज दिया जाएगा। और चाची को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। चाचा तो सेंचुरी कंप्लीट कर चुके हैं, चाची की हाफ सेंचुरी होनी बाकी है। वाह, टेस्ट मैच और T20 का अटूट बंधन, गजब, मेरा भारत महान। मेरे काम सूत्र ने, मेरा मतलब जो सूत्र मेरे लिए बाहर काम करते हैं, उन्होंने बताया कि चाचा को लव एट फर्स्ट साइट चौथी बार हुआ और चाची को प्रपोज उन्होंने कुछ इस तरह से किया। I love you, my begum. This song is dedicated to you. Shansu Kish. 103 वर्षीय चचा स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। बताओ, हमें आजादी दिलाकर चचा खुद फिर से गुलाम बन गए हैं। वाह, प्यार है। श्री श्री नीतीश कुमार जी अवार्ड्स। वैसे तो नीतीश जी खुद रिवर्स स्विंग में माहिर हैं, पर IPL कैटेगरी में ये अवार्ड जाता है हार्दिक पांड्या जी को। और अपनी थैंक्स स्पीच में हार्दिक पांड्या का कहना है, उला ला 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 ए ओ, उला ला ला ला, थैंक यू ब्रो। अगला नीतीश कुमार जी अवार्ड जाता है हम मिडिल क्लास लोगों के घर की दीवारों को। ये कोई हुसैन साहब की पेंटिंग नहीं है, मेरे घर की सीलन है, उसी को दे रहे हैं नीतीश कुमार जी अवार्ड। जब देखो वापस आ जाओ। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आपको आज का शो कैसा लगा कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी कहीं अनकहीं बातों के लिए रमित आपसे क्षमा मांगता है। खुश रहिए, आबाद रहिए, पर आबादी मत बढ़ाइए।